Welcome to my channel. This is Sam. I'm playing Red Dead Redemption 2. We are near Valentine, right? Both my horses are here. Oh no, we are in Strawberry. Okay, it's alright. No. Ooh, what? My horse is going through the stairs just to reach me? No way. So we saw an opportunity to... Mister? You were blindfolded when you were gazing at the mirror? Howdy. Don't you worry about it, okay? Anyway, how's it going with you? So, doing okay? Hey, friend. Why would you never leave the house looking like that? So we saw an opportunity to rob this place. Unfortunately, dog was that? I'm not waiting until morning here. Oh, that was the one. It's a cat. American domestic cat. Hey there, kitty. Why does it? Hey, kitty. People go crazy these days. Hey, mister. What the hell? That's a fine horse you got there. Thanks. Come on now, get moving, will you? Well now. You take care now. Oh shit! Hold here, boy. Oh crap. Stay calm now. I thought so. I don't want to start any other conflict. Let's see this guy. We have not met this guy for so long. Didn't recognize you. Been some time, ain't it?
Let's make you an upstanding citizen once more. I already have no bounty on me. Hey, Cap. So people hate my hat. Is that another one? No, that's another one. Hey there, kitty. So as I said earlier, we have two missions here. भाई bounty का सही इस्तेमाल करना, bounty लेके direct Blackwater घुस जाना भाई, जो मेरे को पहले नहीं पता था, पहले पता होता तो माया भाई पूरा Blackwater छान लेता। CD का मिशन कर सकते हैं। There are some places that are still unexplored, something like this place near Flatneck Station, this one in the Heartlands. Maybe this place is the same place where we used to stay. This is not far from Strawberry. If I go straight, okay, I'm riding this horse because this is not my main horse. So if I lose it, I lose it forever. हाँ चलो रास्ते में बहुत कुछ मिल भी जाता है। ऐसे ही एक्सप्लोर करने निकलोगे तो कुछ ना कुछ आपको रास्ते में मिल जाएगा। सुबह हो गया, वैलेंटाइन में हम लोग फिर से वापस आएंगे, वो शॉप को लूटना है ना। वेलकम बैक टू वैलेंटाइन लेटर ऑन टू सी अबाउट दैट शॉप रॉबरी। तो नहीं है ना, तो इसमें कुछ है भी नहीं। तो सीधा ही आ रहा हूँ भाई, नो डिस्ट्रैक्शंस। जब भी खेलता हूँ ना ये गेम भाई, रिफ्रेश हो जाता हूँ एकदम से। स्टेशन है ना, रिग स्टेशन। ट्रेन भी आ रहा था, देख रहे हो, अभी क्लोज कॉल हो सकता था। दिन के उजाले में एक गेम तो अलग ही लगता है, रात में विजिबिलिटी थोड़ा कम रहता है, लेकिन रन अलाउ। मेरा अभी ऑनर का सवाल नहीं होता ना, साले लोगों का भी ठोकता मैं। समझ क्या क्या रखा है भाई, अपन 1500 बाउंड्री भी कर सकता है, फिर उस बाउंड्री को पे भी कर सकता है, अपना औकात है अपना।
तेरह हजार बाउंटी मतलब एटलीस्ट 100 लोगों को मारूंगा तो 13,000 बाउंटी हो जाएगा। ये तो वही फॉक्स कुगर की वजह से, कुगर के हाथों मरा हूँ मैं। चलो अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है। बटर मिल्क बक्स की नहीं तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं। मतलब एटलीस्ट नाम तो देखने दो भाई, चेस्टनट विंडो। गवर्नमेंट ने इसको ये जगह दिया है क्योंकि जो रहता था यहाँ पे, आप लोगों को याद होगा उसने बताया था कि गवर्नमेंट प्रेशर दे रहा है उसको जगह खाली करने के लिए।
तो जिसने भी खरीदा है जो तो समझ में आएगी ये कौन सी जगह है। मार्क किया हुआ था ना हार्टलैंड के इधर, इधर भी एक कहाँ से छोटा मोटा जगह है, इसको पहले देख लेते हैं कि ये नज़दीक होगा आप लोगों को। मतलब हर तरह का इंसान मिलेगा इसमें, लेकिन सबके साथ सेम तरीके से डील नहीं कर सकते। इंसान भी सब अलग है, तो इनसे बात भी अलग तरीके से करना होता है। ये भी एक ट्रेडिंग पोस्ट है। चलो कोई नहीं, हाई वेलोसिटी गोली यहाँ पे रखा हुआ है। बिस्किट वेजिटेबल मतलब जो भी यहाँ पे था जल्दबाजी में निकला, इसलिए ये सब छोड़ गया, नहीं तो चलो एटलीस्ट इसका नामकरण तो हुआ। इसको हटा देता हूँ, डायरेक्ट इसमें चलता हूँ, फिर इधर आएंगे ड्यूबेरी क्रिक। ड्यूबेरी क्रिक के इधर यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह लगता है, अनएक्सप्लोर्ड है। अबे यार मार्क भी नहीं होता, देखो क्या कांडू है। इधर ही सब जगह मैं लगता आ चुका हूँ यार, नहीं रहता है। मेरा अल्टीमेट मकसद लेफ्ट से होकर इधर जाता हूँ। घोड़ा का झुंड है उधर, अरे उतर लेकिन समय पर पहुँच ही जाएगा। केंटकी सैडलर, बटर मिल्क और केंटकी सैडलर। ये जगह कुछ अजीब तरह का लग रहा है। ये तेल निकालने का है, सब मशीनरीज आ चुके थे लेकिन लगता है तेल निकालने के लिए एक आदमी का लाश भी नीचे पड़ा हुआ है। नीचे में ऊपर ही है, दिल का भवर करे पुकार। नहीं 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 गाना नहीं गाऊंगा, मैं टी सीरीज फिर से लगा देगा मेरे को कॉपीराइट क्लेम। तो गाना गाने गा भी नहीं सकते आप।
box away. Heart chuti hai. No box mein kaun sala can video rakhta hai. Chalo. No box mein kaise kaise rakha jata. Fine brandy. मेरे पास है उसने नहीं ले सकता अभी स्ट्रेंजर को लूट करूँगा तो मेरा नेगेटिव में जाएगा ऑनर लेकिन इसको लूट करने से पता भी चलेगा ना कि क्या है इसके पास लेटर फ्रॉम कॉर्नवॉल इट्स वेरी रिग्रेटेबल दैट यू हैव रिजेक्टेड द वेरियस एक्सट्रीमली जनरस परचेस ऑफर्स प्रेजेंटेड बाय Presented to you by Cornwall, Christian Antar, Mr. Cornwall has obliquely consented to allow you a grace period for a further 3 weeks to reconsider your position and we strongly advise you to do so after that. I will be very but a company of your size being able to continue to compete on price in the new in the state of New Hanover and to secure acceptable rates for railroad transportation. We look forward to hearing from you and soon and as always wish you the best of good fortune in all your endeavors. Cameron Spence. Oh, CD hai bhai. मैंने ये देखा क्यों नहीं पहले इधर सीढ़ी है ये लोग तेल निकालने आए हैं कि मतलब कुछ और ही करने आए यहाँ पे ओहो डायनासोर बोन देखो यहाँ पे आओगे तो तुमको दूसरा डायनासोर का बोन मिलेगा एक मिला तो जो पहले मिला था मेल ने कोऑर्डिनेट सुधे बोला मैं गिनीस मिनी पोस्ट ऑफिस जो मेरे को पहाड़ के ऊपर मिला था वो लगता है ये मतलब लेने कुछ और आया था लेकिन जब इसको ये स्केलेटन मिला तो उसके बाद ये भाग गया कोई मर गया ऐसा कुछ हुआ तो हर जगह आप स्ट्रेंजर को लूटोगे तो आपका ऑनर नहीं डाउन होगा जैसे मैंने यहाँ पे किया मेरा ऑनर डाउन नहीं हुआ ओके सो ये एक्सप्लोर्ड देखो आप बोन डायनासोर का कुछ मिलेगा तो ऐसे बोन स्ट्रक्चर में आ जाएगा यहाँ पे भी ऊपर में पहाड़ी में मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे स्केलेटन का ही मतलब बना हुआ है छवि कहाँ गया हाँ तो इधर ही साले इतना ये बल देखो ये कहाँ से मार्क हो गया था इनसे अभी नहीं दिख रहा है मतलब ऑटो डिलीट हो रहा है क्या पता नहीं बहन चोत क्या हो रहा है लौड़े लहसुन लग रहे हैं निकल यहाँ से और भी बहुत जगह जाना है सुल्तान चढ़ा हुआ है ये कहाँ से मार्क हो गया वहाँ पे तो इधर जाना है अपन को इधर से फिर इधर जाऊंगा
भाई ये रॉटन कॉर्प्स है, मतलब आज नहीं मरा, बहुत दिन पहले मरा। तुम लोगों को पता है मेरे को बहुत, मैं जब भी ऐसे देखता हूँ कि कैंप कोई बना के है तो मैं उसको थोड़ा खुजला के आता हूँ हमेशा। दिस इज नॉट न्यू फॉर मी। और ये तो भाई लग रहा है कोई गैंग का है। यही लोग है जो मेरे को मतलब अनकंडीशनली लव करते हैं, कि जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ मिल जाता है इन लोगों से। कुछ ना कुछ मिलता ही है। देखो तो किससे बंगला ले गया, बंगला लेने में क्या होता है। अंदर तो कुछ नहीं है, एमओ बॉक्स में भी कुछ नहीं है। सच में यार ये लोग मतलब एक गरीब होता है, गरीब का लेवल होता है, इन लोग गरीबी के लेवल से भी नीचे है। कुछ नहीं है यहाँ पे, साला सच में कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है लेकिन ऑप्शन ही नहीं आ रहा कुछ। इधर भी और मरा है ना, दूसरा घोड़ा को मैं जहाँ छोड़ता हूँ वहीं पे रुक जाता है। यहाँ मैं पहले भी आया था, रस्सी इतना स्ट्रेट कैसे। Hey, mister. अरे नहीं, मैंने यहाँ पे एक टूटा हुआ कार्ड देखा था। पता भी नहीं कि ये किस लिए यहाँ पे है, बस मैंने देखा था। लॉक बॉक्स दिख रहा है, कैन वेजिटेबल गोर मारा नहीं चाहिए भाई।
और कुछ है भी नहीं इधर। पैरेट का है ना, क्या था सच में? अबे यार खुद पे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने ये सब मार्क किया। यहाँ पे एक जगह है ठीक है, इतना क्लोज आ गया तो ये चेक कर लेता हूँ इधर। सब तरह से ओ भाई किया भाई, मैं तो जंप नहीं कर रहा था। पहली बार एक बार जंप किया जो वहां से छत से इसमें कूदा, उसके बाद दूसरा जंप क्यों लगाया इसने मेरे को पता नहीं। हेल्थ भी आधा हो गया, देखो क्या करूं मैं आर्थर को लेके। हाँ भाई ग्रीन बैंक मेल अपन को जाना है उस तरफ, मतलब आरडीओ 2 तुम खेलना स्टार्ट करो ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा कब एक घंटा हो गया, तुमको पता भी नहीं चलेगा कब एक घंटा हो गया, तुम खेलते रह जाओगे। यार मैंने मतलब आग देख के मैं इतना तेजी से आया। देखो मेन मिशन अभी बंद है कुछ दिनों के लिए,
मैंने कहा भी था कि अभी एक्सप्लोर करेंगे। पता नहीं कहा था यहाँ पे आग जल रहा है, आग बुझा दिया जो भी जला रहा था। चलो कोई नहीं, so you can intervene like this. I was already coming to this place. This guy just made it easy for me. Oh, what the hell? No, something else showed up. What is this? Black Rabbi Cano. Perhaps there are some people here. टूट के बिखर चुका है, घर में लेने लायक कुछ है भी नहीं। तब तो मैं काम घर से निकलता हूँ, आसपास सर्च करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। आर्थर ने ड्राइंग नहीं बनाया सर उसका। घोड़ा भी खड़ा है लेकिन किसका घोड़ा है ये भी नहीं पता। यही दोनों है ना जो एक्सेप्ट द हॉर्स यू आर राइडिंग और लीडिंग। ये ब्लैक रेबिकन को भेज दूंगा। नहीं छोड़ो, ये किसी और का घोड़ा होगा।
मैदान में मैं भेज दूंगा इसको, तो जिसका घोड़ा होगा वो तो ये रोता रहेगा कि भाई इसके साथ क्या हो गया। क्या भाई मार्कर हट गए सारे, मार्कर यहाँ पे मार्कर लगा। तो ये जगह भी हम लोग एक्सप्लोर कर लिए, लेकिन इसका नाम नहीं आ रहा है भाई, नाम नहीं आता। तो भाई मेरे को भी मतलब जगह अननेम्ड के हिसाब से रख देना पड़ता है, और बहुत डिस्टर्बिंग होता है यार। चिमनी के अंदर होता है कभी कभी, चिमनी के अंदर नहीं। चलो हम लोग निकलते हैं यहाँ से, दूसरा मार्क किया हुआ जगह पे चलते हैं। हाँ लगभग 41 मिनट्स तो हो गया है। ये जगह को देख के हम लोग जाएंगे सीधा कैंप, कैंप में बुएल को रखेंगे, फिर अरेबियन को लेकर निकलेंगे। एक सेकंड, इतना घूम के क्यों जाऊँ मैं, सीधा राइट ले लूँगा तो हो जाएगा ना। तो जंगल के बीच से जाना पड़ेगा, ये अलग होते हैं। लेकिन शायद इसके चिमनी के अंदर कुछ मिल जाए, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। एक सिगरेट कार्ड है यहाँ पे, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। तो कार्ड में बाहर से भी ले सकता हूँ। स्टीम लोकोमोटिव, मार्वल्स ऑफ ट्रैवल। जैसे कि आप देख रहे हो ये जगह फिर से अननेम्ड रह गया। कुछ खाता हो जिससे स्टैमिना और डेड आई दोनों बढ़े। अभी हेल्थ स्टैमिना और डेड आई मतलब लिमिटेड बढ़ता है, बढ़ेगा तो हम लोग, पता है मेरे को एंसबर्ग से हम लोग बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम लोग जा सकते हैं 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। बस ठीक ठाक चलाऊँगा तो पहुँच जाऊँगा, है ना अपने पास 15 मिनट, बहुत है 15 मिनट। अगर मैं ठीक ठाक चला गया 15 मिनट में आंसबर्ग पहुँच जाऊँगा, लेकिन बिना रुके चलाना पड़ेगा भाई। अगर रुक गया कहीं पर तो वहाँ टाइम वेस्ट होगा, और मेरे को जो लगता है कि मतलब इतना NPC है ना गेम में, अभी तक अनएक्सप्लोर्ड मेरा दो गैंग मेरा अनएक्सप्लोर्ड है। उसी का मुझे लगा रहता है कि कहाँ कब मिल जाए चुके लोग। और मैंने वहाँ पे पूरा इंस्टिंक्ट से मारा भाई, क्योंकि वो भी दौड़ रहा था ना, वैगन में जो बैठा हुआ था वो भी दौड़ रहा था। अगर गलती से उस पर गोली लग जाता तो कहानी ख़त्म हुई थी। क्या करने आए थे तुम, क्या कर रहे हो, ऐसा हो जाता।
मोए मोए हो जाता सिचुएशन हो जाता है अगर इंडिया में चलता ना मोए मोए भाई आप लोगों को तो पता होगा कि कर्नाटक में क्या चल रहा है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो देश है सेक्युलर है पहली बार, और अगर आप चाहते हो कि आपके स्टेट में रहने के लिए भाषा जानना चाहिए तो वो ठीक बात है, वो सही है। आपका स्टेट में आप हम लोग रहेंगे, कोई भी रहेगा तो स्टेट का लैंग्वेज का नॉलेज उसको होना चाहिए, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते किसी पे। जो अभी किया जा रहा है, जो कन्नड़िगंस बोलते हैं ना अपने आप को, वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, सही नहीं कर रहे हैं। आप थोप रहे हो, ज़बरदस्ती थोप रहे हो, आप दुकानों के बैनर तोड़ रहे हो, आप दुकानों के साइन बोर्ड तोड़ रहे हो, दुकानों के नाम तोड़ रहे हो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपको इंग्लिश पसंद नहीं है, आप जाइए, आप दुकानदारों से बात कीजिए, मीटिंग कीजिए, शांति से बात करके भी हो सकता है ना। आप जाओगे दुकान में सब तोड़ फोड़ दोगे, भाई वो भी मेहनत कर रहा है, वो दुकान जो चला रहा है वो रोज़ का मेहनत का पैसा रोज़ खा पा रहा है, ऐसे मेहनत कर रहा है वो, उसका तुम जाके नुकसान कर रहे हो भाई, ये सही बात नहीं है, दिस इज़ नॉट गुड। साउथ इंडिया इज़ नोन फॉर द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, हाइस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया इज़ इन साउथ इंडिया। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन दे आर गेटिंग फॉर बीइंग और एक्टिंग लाइक दिस, आई डोंट नो। अगर ऐसा एजुकेशन हाँ निकल जाता हूँ मैं। ऐसे भी मेरा वीडियो कोई देखता नहीं है, अगर देख लिया और मेरा ये बात सुन लिया तो शायद कर्नाटक में मेरा वीडियो बैन हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं सही तो सही बोलूँगा, गलत को तो गलत बोलूँगा, ये तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। इफ़ यू क्लेम टू बी एडुकेटेड देन यू शुड एक्ट लाइक इट। Can't say that I am a PhD holder and I am doing shit like this. This too. That two things does not go together. You cannot say you are good and then you go you kill somebody. And say you're sorry or say this is justified by this reason, that reason. But that is not a good work, that is not a good will. मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बोल सकता था पहले, मतलब बहुत जगह मैंने देखा भी है कि लोग कैसे कपड़े नहीं मतलब कुछ भी पहन के जाते हैं, वहाँ पे बाहर का बोर्ड तोड़ देते हैं, जो अंदर काम कर रहे हैं उनको भी डर लगता है कि भाई ये लोग हम लोगों पे हाथ ना उठा दे। और मैंने ऐसे एम्प्लॉयज़ भी देखे आईटी कंपनीज़ में काम करते जो बाहर के स्टेट से जाते हैं, भाई तुम्हारा सिटी स्मार्ट सिटी है, तुम्हारा सिटी में आईटी कंपनीज़ है तो लोग तो जाएंगे ही, और अगर उनको लैंग्वेज नहीं आता तो भाई तुम ज़बरदस्ती थोड़ी थोप सकते हो कि भाई तुमको सीखना पड़ेगा नहीं तो छोड़ना पड़ेगा स्टेट। ऐसे करोगे तो भाई तुम पता भी है कितने स्टेट्स हैं, तुम अगर किसी दूसरे स्टेट में जाओ और तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तब तुमको कैसे लगेगा, क्या अच्छा लगेगा तुमको?
ये लोग कौन था और ये लोग मेरे को क्यों मार रहा था? साले पिंकटर्स। कैंप लूटा ही नहीं, ये नो कैंप है ना। कैम था यहाँ पे, कुछ नहीं है अभी, नंगा हो गया ये लोग। अबे घोड़े पे चल गया, पता नहीं मेरा गन उसी टाइम होता है जो मतलब मेरे को जरूरत होता है सबसे ज्यादा, तभी मेरा गन काम नहीं करता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गन ले हाथ में, गन ले हाथ में, शूट भी कर रहा था लेकिन शूट नहीं हो रहा था। मतलब ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुका है, कल ही हुआ था, कूगर के सामने जाके अचानक देख रहा हूँ गन हाथ में ले रहा है, लेकिन हाथ में लेने के बाद फिर फायर नहीं कर रहा, इसकी वजह से मैं मर भी गया वहाँ पे कल। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना जब कल मैं मरा था कि भाई मैं प्रिपेयर्ड था, मैं हर तरह से प्रिपेयर्ड था कि भाई कूगर अटैक करेगा, मेरे को पता था। लेकिन जब मैंने बंदूक निकालने की कोशिश किया तब बंदूक निकाल नहीं पाया, मेरा घोड़ा मेरे को लात मार के गिरा दिया और से उसकी वजह से डेथ। हैंसबर्ग से तो ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग। अभी देखो हैंसबर्ग में जाके मैं सबसे हाई हेलो तो बोलूँगा लेकिन मेन मिशन स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेन मिशन अगर स्टार्ट कर दिया मैंने तो यहाँ पे ख़त्म होगा नहीं, एटलीस्ट 20 मिनट तो लगेगा, 20 से 25 मिनट एक मिशन में। इसलिए हम लोग अपना घोड़ा को यहाँ पे लगाएंगे। कैंप में थोड़ा देर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर सब लोगों से बात करता हूँ, फिर यहीं से निकलेंगे। कौन सी भाषा में बात चल रही है? Sorry, this for that. Down on your auger, for I know you struck all.
Things went on and on for a week or 10 days. My auger machinery got the fire in some way. ये आपको बेल सॉरी अंकल का गाना अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। अच्छा ये डच वापस आ गया क्या? अंदर आग जला हुआ, मतलब अंदर भी कोई है क्या? सिडी हैंसबर्ग में शायद टाउन में है। सब सो रहे हैं लेकिन बाकी लोग कहाँ है? टिली, फिर मैरी, बेथ बहुत सही लोग यहाँ पे सो रहे हैं। चलो कोई नहीं, नो डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जो बुढ़िया थी बुढ़िया कहाँ पे है? बुढ़िया शायद दूसरे जगह पे सो रही है। क्या बात तेरे का? उसको मैं पहले हेलो बोला तो ये कुछ नहीं जवाब दिया, अभी बोल जवाब दे रहा। पियर्सन कहाँ है यार? हम लोग कुक शायद सो रहा होगा, उसको सोने देते हैं। सुबह डोनेट करूँगा मैं, वो अभी डोनेट करूँगा तो उसको उठ के आना पड़ेगा। अच्छा वो यहीं पे है। मिस्टर मॉर्गन, मिस्टर पियर्सन। इसको टाइम ही कहाँ मिलता है, पूरा दिन तो खाना वाना पकाता रहता है। ये जो नीचे सबटाइटल आ रहा है ना, इसका तुम लोग मतलब ये इसका गाना का स्पेनिश में गा रहा है। एक घंटा होगा तो मैं बंद कर दूंगा अच्छा वीडियो। Thank you guys for watching. Stay tuned for more. And don't forget to subscribe. As I said earlier that I'll be uploading earlier 2 videos and Fortnite videos for 3-4 more days until the end of the year. And then the month. From next month, I will again start playing Starfield videos. Take too long to upload, and they are like huge file size. That's why I stopped uploading the videos, because I have only like 400 something GB left for this month. And I have to download some games, movies, TV series. Audio to video is like maximum 40 GB. So it doesn't matter. So bye guys. See you soon in another video. Until then, stay tuned and have a good day. Take care. See you soon.